तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है, संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब। जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है वो कौन है? पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब। फिर बात आती है इनके जन्म की, इनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी मतलब एडी, ये आगे की ओर बढ़ने वाला है, मतलब आज से भी 1500 साल पहले 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था? फिर पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करें तो 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो हुआ था, 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो हुआ था एक महिला से हुआ था, जिसका नाम था खदीजा। उस महिला का नाम क्या था? खदीजा। और ये महिला थी विधवा, विधवा महिला। पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के जन्म जो विवाह हुआ था 25 वर्ष की आयु में, विवाह किससे हुआ था? खदीजा नामक विधवा महिला से हुआ था। अब इन बात करते हैं कि पुत्री की, तो मोहम्मद साहब की पुत्री का जो नाम था वो था फातिमा। क्या था? फातिमा। और इनके जो दामाद है, इनके दामाद का नाम था अली हुसैन। फिर हम बात करते हैं मोहम्मद साहब के माता पिता की, कि मोहम्मद साहब के माता पिता का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। माता का नाम क्या था? अमीना। फिर क्या हुआ? 622 ईस्वी, 622 ईस्वी में क्या हुआ? मोहम्मद साहब ने यात्रा करी थी, वो यात्रा थी मक्का से लेकर मदीना तक। जो हज यात्रा होती है इस्लाम संप्रदाय की, मक्का मदीना बोलते उसको, तो 622 ईस्वी में यात्रा गई थी, इसलिए उस समय को उन्होंने क्या बोल दिया है? हिजरी संवत। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, कैलेंडर्स में विक्रम संवत लिखा आता है, वैसे आप देखो कैलेंडर में हिजरी संवत भी लिखा आता है। हिजरी संवत लागू तो हुआ था 622 ईस्वी में। फिर क्या हुआ आगे चल के? 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की क्या हो गई? मृत्यु हुई। मोहम्मद साहब की क्या हो गई? मृत्यु हुई। जैसे ही मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, ये धर्म दो भागों में क्या हो गया? बट गए। पहला जो था वो थे शिया और दूसरे थे सुन्नी। कौन बन गए? शिया और सुन्नी। तो शिया क्या होते हैं? जो मोहम्मद साहब जिसे बोलते ना बोहरा, बोहरा जी, बोहरा जी समाज होते, सिया होते हैं, और जो कट्टर मुस्लिम होते हैं वो कौन होते हैं? सुन्नी। सुन्नी जो है ये मोहम्मद साहब के उपदेश और कार्यों को मानते हैं। जो सुन्नी धर्म के होते हैं कट्टर मुस्लिम, जो जो उपदेश उन्होंने दिए थे, जैसे हमने देखा था जैन धर्म बौद्ध धर्म में, कि जैन धर्म में प्राकृत भाषा में और बौद्ध धर्म में पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। उपदेश मतलब उन्होंने जो बोला उसका पालन करना, ठीक है, जो धर्म में लिखा गया, बोलते हैं ना हमारे धर्म में लिखा गया हम सब पालन करेंगे। तो सुन्नी जो थे वो मोहम्मद साहब के उपदेश और कार्यों के ऊपर काम करते थे, लेकिन शिया जो थे, शिया उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षा है उस पर आधारित काम ये करते थे। कट्टर मुस्लिम कौन हो गया हमारे पास में? सुन्नी, जो उनके उपदेश और कार्यों का विवरण करते थे, लेकिन शिया जो बोहरा जी होते हैं वो उनके ज्ञान और शिक्षाओं का आदर करते, सम्मान करते, उस धर्म का पालन करते। लेकिन क्या हुआ था कि जो अली थे, अली के जो पुत्र थे है ना हुसैन, हुसैन पुत्र, इनकी 680 में हत्या करते थे, और वो हत्या कहाँ करी पता है? करबला, जो इराक में, और इसीलिए मोहर्रम का पर्व बना।
देखा होगा याओसेन और जाओसेन के जो जयघोष रखते हैं उनके लिए नारे रखते हैं, वो यही है। उनकी हत्या का काम हुई थी करबला इराक में, उनकी हत्या हुई। फिर मैं बात करता हूँ मुस्लिम संप्रदाय में जो नमाज अदा करने की प्रोसेस जो होती है वो पश्चिम दिशा की ओर, मतलब जब भी वो मस्जिद में खड़े होते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके मुगल पे खड़े होते हैं, और घर में भी जब नमाज पढ़ेंगे तो पश्चिम दिशा के मुंह होता है। कारण कि भारत में जो मक्का मदीना है वो पश्चिम दिशा की ओर, तो जो मक्का मदीना की जो दिशा है वो भारत में क्या है, पश्चिम, ठीक है। और इसे बोलते हैं क्या है, किबला, क्या बोलते हैं, किबला, ठीक है।